और मुझे लगता है कि तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो हमारे प्यार के बारे में, बस मानना नहीं चाहती हो। इसीलिए हजार बार कहा है कि मुझे कुछ भी बोलने से पहले ना अपने आप को देखो। ग्रेट, ये है असली लक्ष्मी। नहीं जानती थी तुम? नहीं पता तुम्हें कि निशित को बचाने आएगा? नहीं जानती थी? अगर पता होता तो ये क्या उसे ऐसा करने देती? एक सेकंड दादी, क्या कहा था जेल में कि मेरा ऋषि मुझे बचाने आएगा, मेरा ऋषि मुझे यहाँ से छुड़ा लेगा? जानती थी ना, बोला था ना ऐसे आएगा ना छुड़ाने, खुद जेल जाके, ये तुम जानती थी। अरे ना दिया मरिष्का, अब से बकवास किए जा रही हो, इमेज होती है यार। अभी बोला ना आना ने कि ऋषि भाई ने जो बोला भाभी को, भाभी छोड़ो यार, हमें किसी को नहीं पता था ऋषि भाई ये सब बोलने वाले मरिष्का। अरे ये तो खुद उसके लिए जान देने को तैयार रहती है, तो वो क्या उसे जेल भेजती? नहीं दादी, आप नहीं जानती है। जानती हूँ, ये बुढ़ापे का चश्मा मैंने नजरों पे नहीं अपनी अकल पे लगा रखा है, दुनिया देखी है मैंने, इसलिए अपनी बकवास बंद कर, वरना तेरे माँ बाप से बोलूंगी तुझे चुप कराने के लिए। आई नो यार, हाइट्स होती है, कुछ सुनता तो उसको सुनाती जाओगी क्या मनीष का? कुछ लोग होते इसी लायक है कि उन्हें सुनाया जाए, उनके कदम इतने मनहूस होते हैं कि जहाँ पड़ते हैं मनहूसियत फैला देते रहते कि ऋषि की लाइफ। बस बस करो, एक और शब्द मत बोलना, क्योंकि मेरी जुबान भी तुम्हारी जुबान की तरह ही लंबी है। बस मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ क्योंकि मेरी बहन यहाँ पे खड़ी है, लिहाज कर रही हूँ मैं उनका, वरना तो मैं तुम्हें। नहीं शालू, नहीं, ये देखो इसको, ये मलिष्का को तुम्हें एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि तुम जैसी हो ना बहुत अच्छी हो शालू, और ऐसे ही रहना। एग्जैक्टली शालू, तुम देख रही हो ना, भाभी को देखो कितनी शांत है, कितनी अच्छी है, सब लोग उसको इतना सुनाते, फिर भी हमें भी वैसे ही रहना है। अच्छा, कहाँ किस जगह कैसे बात करनी है, इन हालातों में इतनी तो समझ होनी चाहिए था तुम्हारे अंदर। ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। जरूरत है तो ठीक है पुत्र, बस हौसला मत छोड़ना और हिम्मत ना हारना। हिम्मत? इसे हिम्मत रखने की जरूरत नहीं है दादी, क्योंकि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऋषि भाई जेल में जाए या ना जाए, छूटे या ना छूटे। माय गॉड सोनिया, क्या बोल रही हो तुम? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। ओके शट अप। तो यू शट अप इनफ। लोग मुझे बोलते मैं खुद का माइंड यूज नहीं करता। लुक एट हर, लुक एट योर सोनिया, कभी खुद के दिमाग से काम डाउन होके एक बार लक्ष्मी भाभी के बारे में सोच के देखो यार। लकी है हमारे ऋषि भाई की लक्ष्मी भाभी जैसा लाइफ पार्टनर मिला उन्हें, और अनलकी है ऋषि के तुम्हारे जैसा भाई मिला है उसे। अगर तुम्हारे जैसा भाई है ना ऋषि के पास, तो उसे दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। मलिष्का, माइंड योर लैंग्वेज, यू माइंड योर एक्शन। और क्या यार, जो भी हो रहा है ना आयुष, तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने पुश किया ना ऋषि को, तुमने कहा ना इसके करीब आने को, तो देखो आज क्या हुआ। हाउ आई विश मलिष्का, हाउ आई विश कि तुम लड़का होती, सारे एक्शन करके तुम्हें एक बारी में सुधार देता अभी मैं। हाँ भाई हूँ ऋषि भाई का, ना प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैंने भाई और भाभी को क्लोज लेकर आया, भाई हूँ मैं उनका। तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम्हारा काम क्या हमारे घर में पड़ी रहती हो हर टाइम? लगता है क्या ऋषि भाई तुम्हारे? शट अप आयुष, जस्ट शट अप। Shut up, all of you. आयुष अच्छी तरह जानते हो ना तुम मलिष्का कौन है ऋषि के लिए? ऋषि सब कुछ है मलिष्का के लिए, मलिष्का उससे प्यार करती है। और ये लक्ष्मी, ये तो सिर्फ कल आई है, लेकिन मलिष्का तो पहले से है ऋषि की लाइफ में, ये बात हम सब जानते हैं। एंड माइंड यू आयुष, बस थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, लीगली भी मलिष्का ऋषि की वाइफ बन ही जाएगी। और उस दिन ये सवाल ना लक्ष्मी से पूछना, मुझे इंतजार रहेगा उसके जवाब का। नौबत ही नहीं आएगी अंकल, ट्रस्ट मी।